नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। और दोपहर से ही बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो ऐसे मौसम में गरम गरम पकौड़े और देसी चटनी हाथ वाली खाने का मन करता है। तो चलते आज हम भी बनाते हैं प्याज के पकौड़े और हाथों वाली सिलबट्टे वाली चटनी जिसे बोलते हैं। जब तक हाथों वाली चटनी नहीं बनती है सिलबट्टे पीस कर, तब तक पकौड़े खाने में मज़ा नहीं आता है। तो चलेंगे आज हम भी सिलबट्टे पीस कर चटनी बनाएंगे एकदम देसी तरीके से। बहुत ही मज़ा आता है पकौड़े के साथ ये चटनी खाने में। तो यहाँ देखिए खेत में आया और बारिश की वजह से देखिए हमारा धनिया जो है देखिए लेट गया है और काफ़ी तेज़ आंधी भी चल रहा था। तो पूरा देखिए जो धनिया लेट के ख़राब हो जाएगा, सड़ भी आता है अंदर अंदर, जो कि इसमें धूप और हवा नहीं लगता है। तो खेत से देखिए ताज़ा धनिया की पत्तियों को लेंगे और लहसुन की पत्तियों को लेंगे और बनाएंगे प्याज एकदम कुरकुरे पकौड़े। धनिया के पत्तियों को देखिए यहाँ से ले लेते हैं चटनी पीसने के लिए। लहसुन की पत्तियों को देखिए ले लेते हैं नरम नरम चटनी में डालने के लिए। यहाँ पे देखिए लहसुन की पत्तियों को और धनिया की पत्तियों को हमने ले लिया है, अब लेके चलते हैं। तो खेत में से हमने धनिया और लहसुन के पत्ते ले लिए। इधर देखिए अपने सोमरी को हम सानी पानी कर देते हैं, ऐसे एक बार बोर चुके हैं। इसमें देखिए भूसा है और घास है और गाजर वगैरह कटा हुआ है, उसी को देखिए कैसे खाने के लिए मांग रही है, डाल दे रहे हैं, उसको चला दे रहे हैं। खेत से ताज़ा हरा मिर्चा तोड़ लेते हैं पकौड़ी में डालने के लिए। कभी कभी जब हमारे घर के सारे मिर्च ख़त्म हो जाते हैं ना, तो यहाँ देखिए पेड़ के एकदम ताज़े मिर्च तोड़ते हैं, काफ़ी देखिए हरा हरा है, इसको तोड़ लेते हैं। ये बहुत तीखा हरी मिर्च है और इसमें भी देखिए काफ़ी सारा फरा हुआ है। तो चूल्हे के पास देखिए आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्याज लिया है, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते, लहसुन के पत्ते। तो प्याज को देखिए पहले छील लेते हैं और उसके बाद धुल उसको लंबा लंबा सा पतले में काटेंगे, तभी पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं लच्छेदार प्याज के जो है। इसको छील लेते हैं और चूल्हे में इधर को भी हमने जला दिया है। तो प्याज यहाँ पे छीलने के बाद देखिए इसको साफ पानी से प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को धुल ले रहे हैं। प्याज को धुलने के बाद देखिए इसको हम पतला पतला लंबे में इस तरीके से काट ले रहे हैं। प्याज देखिए हमने इस तरीके से पतले में और लंबे में काट लिया, इसमें काटेंगे हरी मिर्च दिखे के लिए। तो प्याज और हरी मिर्च को देखिए हमने पतले में और लंबे में काटा, इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक मिलाएंगे तो प्याज में काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अच्छे तरह से देखिए इसको मिला लेते हैं और हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं कि प्याज के जो कि टुकड़े थोड़ा अलग अलग हो जाए इस तरीके से। तो प्याज में देखिए नमक हमने मिला दिया अच्छे तरीके से और प्याज के देखिए टुकड़े इस तरीके से देखिए अलग अलग हो गए हैं। इसको 3 से 4 मिनट छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, काफ़ी सारा इसमें पानी आ जाए थोड़ा भी प्याज में। और इधर देखिए चटनी पीसने के लिए यहाँ पे हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और लहसुन के पत्ते, धनिया के पत्ते सब काट दिए हैं। इसको चलते सिलबट्टे पर रखते हैं चटनी पीसने के लिए। देसी चटनी जो है ना पकौड़े के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को हमने रख दिया सिलबट्टे, इसमें नमक डाल के चटनी को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया नमक हमने स्वाद के अनुसार, अब इसको पीसते हैं। तो चटनी यहाँ पे देखिए सिलबट्टे वाली हमारी पीस गई है, इसको उठा ले रहे कटोरी में। इस चटनी को आप चाहे रोटी के साथ खाइए, फिर चावल के साथ या फिर पकोड़े के साथ, बड़ा ही मज़ा आता है चटनी खाने में। ये देसी चटनी जो है ना, इस देसी चटनी का किसी चीज़ से मुकाबला नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके आगे टमाटो सॉस वगैरह और भी बाकी जो चटनियाँ होती है ना सब फीकी पड़ जाती हैं। तो सिलबट्टे वाली चटनी होती है ना, इसका स्वाद ही अलग होता है। इधर जो हमने प्याज में देखिए नमक डाल के 5 मिनट पहले छोड़ दिया था, देखिए प्याज जो कि काफ़ी हल्का हल्का देखिए गलने लगा है और काफ़ी सारा देखिए प्याज ने पानी छोड़ दिया है। ये जो प्याज के पकौड़े बनते हैं ना, इसमें ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती है, कम मसालों से ये पकौड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिया हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तो आधा चम्मच इसको डाल दे रहे हैं और आधा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालते हैं इसमें गरम मसाला और आखिरी में डालेंगे यहाँ पे देखिए 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जरूर डालें कोई पकौड़े बनाए, क्योंकि अजवाइन का जो स्वाद होता है ना काफ़ी अच्छा आता है और पेट के लिए भी काफ़ी फायदा करता है अजवाइन। इस तरीके से देखिए हाथों से थोड़ा सा क्रश करके हम डाल दे रहे हैं। आप चाहते हो यहाँ पे साबुत धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने धनिया पाउडर ऐसे ही डाल दिया है। इसमें डालेंगे बेसन, तो बेसन की मात्रा थोड़ा कम ही रखेंगे इसमें हम पकौड़े में। अब इसको हाथों से देखिए अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो नमक हमने पहले ही डाला था, तो नमक इसमें हम नहीं डालेंगे और पानी इसमें हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो प्याज का पानी छोड़ा उसी प्याज के पानी से ही अच्छे से हम बेसन को कोट कर लेंगे। तो हमने बेसन को देखिए अच्छे से मिला लिया है इस पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए। तो कढ़ाई में देखिए हमने पहले से रख दिया था गरम तेल होने के लिए, तो 1 चम्मच देखिए हम गरम तेल डाल देते हैं, इससे पकौड़े काफ़ी कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ा सा और डाल दे रहे तेल, गरम गरम तेल डालने के बाद इसको देखिए चम्मच से मिला लेते हैं अच्छे तरीके से।
कढ़ाई का जो तेल देखिए अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, और ये जो देखिए हमारा पकौड़ी वाला पेस्ट है वो हाथों में इस तरीके से लेंगे और पकौड़ी देखिए तल लेते हैं। थोड़ा सा करते देखिए कढ़ाई में इस तरीके से गिराएंगे। इस तरीके से गिराते हुए पकौड़ी बना लेते हैं। एक तरह से पकौड़ी देखिए लाल हो गया, इसको उलट उलट के गोल्डन ब्राउन करके पका लेंगे। प्याज के जो पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको देखिए निकाल ले रहे हैं। तो हाथों में देखिए इस तरीके से बैटर लेते हुए इसी तरीके से हम पकौड़ी बना लेते हैं प्याज के। और पकौड़ी देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें बेसन की मात्रा कम है, काफ़ी सारा देखिए प्याज ही दिख रहा है। ऐसी पकौड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, प्याज वाली क्रिस्पी भी लगती है खाने में। इसको निकाल ले रहे हैं। तो गरम गरम देखिए हमारी पकौड़ी प्याज वाली बनकर तैयार है। इसमें देखिए बेसन की मात्रा जो कम है, काफ़ी सारे देखिए लच्छेदार एकदम प्याज ही दिख रहा है। ऐसी पकौड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए बर्तन में हम निकालते हैं खाने के लिए। पकौड़ी जो कि हमने बर्तन में रख दिया है, यहाँ पे देखिए जो सिलबट्टे वाली हमारी देसी चटनी है, इसके साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। पकौड़ी जो है इसको निकालते हैं कटोरी में चटनी को। यहाँ पे देखिए चटनी हम खूब भर भर निकाल लें, चटनी बहुत चटपटी बनी है, इसी से खाएंगे हम पकौड़ी जो है। बारिश के मौसम में देखिए गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी और साथ में हमने देसी चटनी बनाया सिलबट्टे वाला, इसके साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना प्याज की पकौड़ी और देसी चटनी ना, तो बड़ा ही मज़ा आएगा खाने में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।